रात्रि की सर ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सर बताइए, आज एक और हम एक्सटेंशन ही देख रहे हैं खराब शुरुआत का एशियन मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से। हमारे मार्केट में कोई चेंजेस सर, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल? गुड मॉर्निंग नेहा, आपको और हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि ये त्योहारों का सीजन आपको बाजार में भले ही लाल निशान दिखाए लेकिन निवेश करने की शुरुआत करने के लिए अच्छे मौके देगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। तो आज जिस तरह के संकेत है, डेफिनेटली गिरावट होना स्वाभाविक है क्योंकि लगभग सारी एसेट क्लासेस में गिरावट है। कहीं भी कोई भी मार्केट अच्छा आपको नजर नहीं आएगा, एक डॉलर इंडेक्स को छोड़ दें तो दुनिया भर में सब कुछ खराब है। लेकिन ऐसा जब होता है तब आपको धीमे धीमे बाजार में खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आते हैं क्योंकि बाजार बॉटम भी आपका तब बनाने की कोशिश करते हैं जब ये सारी चीजें एक साथ आती हुई दिखे। इसका मतलब ये नहीं कि आज का आज ये सब कुछ हो जाए। अब ये मंथली एक्सपायरी का भी हफ्ता है तो थोड़ा हम बाजार में थोड़ा और एक्शन देखेंगे बढ़ता हुआ नीचे की तरफ, लेकिन इस नीचे की तरफ में मौके में अगर आप निवेशक हैं तो धीमे धीमे खरीदारी के मौके बनेंगे, और ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखना चाहिए और आपके लिए ट्रेंड थोड़ा सा कमजोरी की तरफ है। आज के लिए अहम सपोर्ट है वो मैं आपको बता दूं, और ये सपोर्ट आपके लिए 17,075 से 17,150 की रेंज का रहेगा। इसके नीचे जाने पर 17,150 आपके लिए ब्रॉडली एक मजबूत सपोर्ट जोन हो गया जिससे बाजार होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, और ऊपरी स्तरों पर 17,400-17,450 वो रेंज है जहां पर रिकवरी में आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, शुक्रवार को बड़ी तेज गिरावट दिखी है बैंक निफ्टी पर, 39,000 के आसपास एक हल्का और छोटा सपोर्ट है 39,125। अगर यहाँ से टूटे तो फिर 300-400 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ और बन जाती है। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, हल्की फुल्की रुकावट की जगह है 39,900 से 40,075, इसको पार करके टिके तो थोड़ी बहुत खरीदारी आने की संभावनाएं बनेगी। सो ओवरऑल रुझान कमजोरी की तरफ है गैप से खुलने के बाद, क्योंकि बाजार थोड़े से ओवर सोल्ड भी होते दिख रहे हैं डेटा के लिहाज से। निचले स्तरों पर हल्का फुल्का सपोर्ट लेंगे लेकिन अभी रिकवरी आने में थोड़ा सा मुझे लगता है 1-2 दिन का समय लग सकता है, और हमारी भी मंथली एक्सपायरी है तो उस लिहाज से थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना ठीक रहेगा। चलिए।